सरकारें जितनी भी पहले आई है उन्होंने व्यापारियों को परेशान इतना नहीं किया है। व्यापारी खुश नहीं है, आने वाले चुनाव को देखते हुए व्यापारी खुश नहीं है और व्यापारियों को बिल्कुल भी 5 साल के अंदर व्यापारियों के हित के लिए कभी कोई चर्चा नहीं की गई। जीएसटी है, पेट्रोल के ऊपर भाव बढ़ जा रहा है, गैस में वृद्धि हो रही है और पूरा मतलब देश में आप देख रहे हो कि हर तरह से अभी पूरा बाजार है खाली पड़ा हुआ, लोगों के पास पैसे की बहुत कमी हो रही है। सरकार की पॉलिसियां इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि सरकार ने एक वर्ष के अंदर नोटबंदी प्लस जीएसटी ये दोनों लगा करके व्यापारी को काफी कमर तोड़ दी है। वर्तमान सरकार से तो लोग खफा ही हैं, लोग त्रस्त हैं। प्रैक्टिकल में व्यापारी का कभी भी हित नहीं सोचा और उनसे कभी किस प्रकार की कोई उनकी तकलीफों को ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ इंडस्ट्रीज वाले और इनके ऊपर ही ध्यान दिया गया इस सरकार के द्वारा, इससे व्यापारी काफी नाराज है। जो बीजेपी की जो नीतियां थी जैसे नोटबंदी है, जीएसटी है, इनकी वजह से बाजार के ऊपर बहुत फर्क पड़ा, महंगाई बढ़ी है, आम जनता का मतलब जैसे पेट्रोल है, गैस की टंकी है, इनके ऊपर महंगाई बढ़ी है और बाजारों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है इसकी वजह से। बाकी परेशानियां आज के टाइम में ये आ गई कि एक सिंगल पॉइंट पे लगाने के बजाय कई देशों में सिंगल पॉइंट के ऊपर जीएसटी लगा हुआ। आज दुबई लोग खरीदी करने जाते हैं, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहता है, वो तुरंत परचेस करता है, कोई उसको जानकारी देने की जरूरत नहीं। आज हमारे यहाँ ये हालत हो गई कि हर आदमी को अपना डाटा पूरा देना है, वो समझे या नहीं समझे उसको देना है डाटा, यूआरडी में माल ले जाना है, व्यापारी को जीएसटी नंबर समझता नहीं है। इसके कारण इतनी अधिक विसंगतियां हैं और आज व्यापार 50% से अधिक कम हो चुका है। कुछ व्यापारी है जिनके पास व्यापार रह गया, एक्चुअल में सारा व्यापार बड़े लोगों के हाथ में चले गया, छोटा व्यापारी बहुत दुखी हो गया इन सब चीजों से। लोग पैसे ही नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, लोग पैसे ही नहीं है और उसके बाद कीमतों में वृद्धि हो गई है, जीएसटी के बाद उनकी कीमत भी डबल ट्रिपल हो गई है, जिसके कारण भी गिराकी फर्क पड़ा। अभी 2019 में भी अभी जो वर्तमान सरकार उससे अलग ही हटके रहते अगर ऐसी नीतियाँ जारी रही तो। पर चूंकि बीजेपी की सरकार के साथ व्यापारी जुड़ा हुआ था तो उनको आशाएं थी कि यार ये अच्छा कार्य करेंगे, पर वो भी उसके ऊपर काफी परेशान हुआ है और वर्तमान में व्यापारी बहुत दुखी है।